नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निबंध के कथन से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे। कल ही मुझे किसी ने मैसेज किया था कि निबंध के कथन से संबंधित प्रश्न लेकर आइए, तो उनके कहे अनुसार मैं आज के इस वीडियो में निबंध से ही संबंधित प्रश्न मैंने उठाए हैं। 30 से 35 प्रश्न आपको निबंध के कथन से मिलेंगे, बाकी निबंध टॉपिक से ही मैंने बाकी प्रश्न उठाए हुए हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लाइक नहीं करते हैं तो चलिए आज का इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धा ही हूँ, यह कथन किस निबंध से लिया गया है ये बताना है आपने। तो ये जो कथन है ये लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुटज का पेड़ कहाँ अधिक दिखाई देता है, कुटज निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये आपने बताना है कि ये कहाँ सबसे अधिक दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है शिवालिक के नीरस पहाड़ियों पर, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनसवी मित्र तुम धन्य हो, मनसवी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है इस कथन में ये बताना है आपने। तो यहाँ पे मनसवी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है कुटज के लिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में फूलों वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द किस भाषा के परिवार हैं बताइए। तो ये प्रश्न भी मैंने कुटज से ही लिया है, तो ये किस शब्द के भाषा परिवार है, तो अग्निकोण के है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुटज कहाँ का सैलानी है, कुटज कहाँ का सैलानी है, तो एक बार कहानी और उपन्यास नाटक की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर निबंध की सीरीज़ शुरू करूँगी। अभी तो 26 को एग्ज़ाम है, सारा करवाना पॉसिबल नहीं है, तो जब तक मैं ये करवाऊँगी तब तक काफ़ी ऐसे जन होंगे जिनका नेट JRF क्लियर हो चुका होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ये जंगल का सैलानी है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुटज किस कोटि का निबंध है, ये भी बताना है किस कोटि का निबंध है कुटज, तो ये एक ललित निबंध है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतेंदु ने किस निबंध में भारतीय लोगों को रेल की गाड़ी कहा है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतेंदु ने किस निबंध में भारतीय लोगों को रेल की गाड़ी कहा है, किस निबंध में कहा है, तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, विकल्प ए में कहा है, मतलब भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में कहा है ये कथन। अगला प्रश्न है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये जो पंक्ति है किस निबंध से ली गई है, तो ये मजदूरी और प्रेम से ली गई है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है, यह विचार किस निबंधकार का है बताइए। ये प्रश्न, ये जो विचार है ये विचार है बाबू गुलाब राय का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का ही नहीं मेरे आत्मा का वस्त्र है, उपर्युक्त पंक्तियाँ मजदूर और प्रेम निबंध के किस अंश से ली गई है ये बताना है आपने। कितना अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये जो निबंध में ये पंक्तियाँ ली गई हैं किस अंश से ली गई हैं, तो ये ली हैं मजदूर और मजदूरी अंश से, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है देख लेते हैं, ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है,
उस दिन मनुष्य की पशुता भी विलुप्त हो जाएगी। यह मत नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है, बताना है किसका है ये जो मत है इस निबंध से, किसका है इन चार विकल्प में से, तो ये प्राणी शास्त्रियों का है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अजी टोपी भी फैलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं, यह कथन किस निबंध से लिया गया है, बताना है आपने। ये निबंध लिया गया है भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये कथन इस निबंध से लिया गया है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, यह कथन किस निबंध से लिया गया है, तो ये लिया है भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस बात से उद्धृत है, बताना है आपने। ये जो पंक्ति है किस निबंध से ली गई है, तो ये पंक्ति ली गई है कुटज से, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नामवर सिंह ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में किस निबंधकार के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस निबंध में किस निबंधकार ने किया है, तो ये किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य केवल महलों में ही नहीं बल्कि मेड़ पर बैठी बच्चे को दूध पिलाती हुई उस पिचकी गाल वाली औरत में भी हो सकती है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में यह विचार किसका है, बताइए ये विचार किसका है इन चार विकल्प में से, तो ये प्रेमचंद्र जी का है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिव मूर्ति निबंध के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, शिव मूर्ति निबंध के संबंध में ये चार विकल्प दिए हैं, इसमें से आपने असत्य छाटना है, तो मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनमें से हमारा कोमल संबंध है, ये कथन गलत है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति निबंध के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, असत्य कथन छाटना है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो हमें सबसे बेस्ट वाला चूज़ करना होता है, और कई बार विकल्प में कथन में मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं असत्य छाटना होता है, तो कई ऐसी इन चार विकल्प में से कोई एक पंक्ति ऐसी होगी जो आपको पढ़ के ही लगेगा कि हाँ ये तो सही हो ही नहीं सकता, तो उस हिसाब से आपने उत्तर देना है एग्ज़ाम में। और अभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर शारीरिक रोगों का घातक है, ये गलत आ जाएगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईश्वर महारानी को चिरजीवी रखे, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, बताइए ये जो पंक्ति है ली गई है दिल्ली दरबार दर्पण से, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण में बड़े शासन अधिकारी राजाओं को प्रदान किया गया क्या, क्या प्रदान किया गया इन चार विकल्प में से, तो रेशमी झंडा व सोने का तगमा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में मास्टर साहेब किसे कहा गया है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किसे कहा गया है, तो जगदीश बाबू को, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए, उठ जाग मुसाफिर निबंध में कथन किसका है, तो ये कथन है मास्टर साहब का, विकल्प बी सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ, यह कथन किसका है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से लिया गया है, कथन बताना है किसका है, तो ये कथन है
लेखक का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं 24 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है, यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से ये कथन लिया गया है, लेकिन ये है किसका, ये बताना है आपने। तो ये दोस्ती वहस्की का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। ये एक पात्र का नाम है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में। अगला प्रश्न है, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने, यह पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? तो ये पंक्ति ली गई है अशिव शंभु के चिट्ठे निबंध से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में किस नगर का वर्णन किया गया है? बताइए किस नगर का वर्णन किया गया है? तो बलिया नगर का वर्णन किया गया है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं शुक्ल जी के ये निबंध? तो ये आते हैं भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है, ये बताना है। तो ये कथन लिया गया है युद्ध और नारी निबंध से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर किसे माना है। तो ये माना है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है, उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है, ये बताना है आपने। तो ये निबंध लिया गया है कछुआ धर्म, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। विकल्प सी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जब हम प्रीति उदारता और भलमनसाहत अर्थात सज्जनता का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? इन चार विकल्प में से देख के बताइए। तो ये लिया गया घृणा से। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये PYQ का प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? किस युग के निबंधकार हैं? इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। कवि के नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा फिर किस कालखंड से ये हैं कवि। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य का लक्ष्य मनुष्य को मानता हूँ, यह विचार किसका है? तो ये विचार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त और संस्कृति की विशुद्धता से भी बड़ी है मनुष्य की जिज्ञासा, यह विचार किसका है, बताना है। ये विचार है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? किस पत्रिका में सरदार पूर्ण सिंह के निबंध प्रकाशित हुए थे? तो सरस्वती पत्रिका में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध का उद्देश्य क्या है? मजदूरी और प्रेम निबंध का उद्देश्य बताना है आपने। तो इसका उद्देश्य है मजदूर और श्रम का महत्व बताना। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्त अवस्था को रस दशा किस निबंध में बताया गया है, ये बताना है आपने। तो ये बताया गया कविता क्या है में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण कथन किसका है, बताइए। तो ये कथन है इनमें से किसी का नहीं, क्योंकि ये कथन तो शुक्ल जी का है और शुक्ल जी का नाम ही नहीं है इसमें। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर किस लेखक का कथन है,
बताना है आपने किस लेखक का ये कथन है। तो ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विधायक कल्पना किसमें होती है? विधायक कल्पना कवि में, पाठक में, श्रोता में, सहृदय में, किसमें होती है? तो ये होती है कवि में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। यह कथन बताना है आपने किसका है इन चार विकल्प में से। तो ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है बताइए। यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। ये आई थिंक ये वाला प्रश्न UPHESE एग्जाम में पूछा गया था, मैंने ले लिया, क्या पता पूछ लिया जाए। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है, ये भी पूछा गया था बताइए। तो ये पूछा गया है, सॉरी ये कथन है विजय देव नारायण शाही का। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। तो ये RPSC में पूछा गया था, तो विकल्प भी सही उत्तर होगा। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिहरन गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो ये कथन है चंद्रगुप्त का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो देखिए मैं आपको अपने तो बनाए हुए क्वेश्चन करवाती ही हूँ, साथ में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, अब देखो जैसे मैंने आज निबंध करवाया, तो निबंध के जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैं ले लेती हूँ। तो मैं इस तरह के प्रश्न इसलिए करवा देती हूँ ताकि क्या पता पूछ लिया जाए UGC NET एग्जाम में भी, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी तो हेल्प हो आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं बताइए। तो इन पंक्तियों के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? एक प्रश्न मैंने कथन से उठा लिया है। तो ये जो कथन है ये भी पूछा गया था किस एग्ज़ाम में पूछा गया था मुझे याद नहीं है, RPSC में आई थिंक पूछा गया था ये प्रश्न। तो ये जो कथन है महाभोज उपन्यास के बिंदा का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है, ये भी पूछा गया था RPSC में, पार्श्वी वृत्ति का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। नाखून का बढ़ना पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन बताइए, ये भी RPSC में पूछा गया था। इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके जो रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं उनसे इस तरह के निबंध ज़्यादा बनते हैं। तो श्रद्धा भक्ति के निबंध में असत्य कथन बताना है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। यहाँ पे ये जो पंक्ति दी गई है ना, इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, जैसे कि श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, तो यहाँ पे श्रद्धा नहीं, प्रेम एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। तो यहाँ पे प्रेम नहीं आएगा, यहाँ पे श्रद्धा आएगा। तो श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर जगता है, तो यहाँ पे उलट करके दे दिया है, यहाँ पे श्रद्धा की जगह पे प्रेम आएगा और यहाँ पे प्रेम की जगह पे श्रद्धा आएगा। इस तरह से उन्होंने कैसे किया, कन्फ्यूज करने के लिए विकल्प को ही उल्टा कर दिया ताकि कन्फ्यूजन हो जाए। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेट के एग्जाम में भी ऐसे ही अब पूछे जाने लगे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका कौन है? तो ये हैं मैत्री पुष्पा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो ये थे 50 प्रश्न। कैसे लगे आपको मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है,
आप चाहें तो जाके जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।